कभी नक्सल के नाम से जाना जाने वाला पूर्वी सिंहभूम का गाढ़शिला अनुमंडल गुड़ाबांधा अब एकलव्य स्कूल के नाम से जाना जाएगा। 38 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्कूल में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस विद्यालय में 480 आदिवासी छात्र पढ़ पाएंगे, उनका नामांकन होगा, जहां पर बच्चे अपने भविष्य बना पाएंगे। ये एक आवासीय विद्यालय होगा और इसी आवासीय विद्यालय एकलव्य विद्यालय का जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया, माफ कीजिएगा, एक मॉडल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एकलव्य विद्यालय बनेगा 38 करोड़ की लागत से, और झारखंड में 69 एकलव्य विद्यालय बनने हैं। ये उन प्रखंडों में बनना है जहां पर जनजातीय आबादी 50% तक है, उन प्रखंडों में इन स्कूलों को खास तौर से बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ वहां भी ये स्कूल बन सकता है जहां पर उस प्रखंड में यदि आदिवासी जनजाति के लोगों की संख्या, जो आबादी है वो 20,000 के आसपास रहे, तो ऐसे लोगों के लिए भी यहां पर स्कूल बनेंगे। तीन उन प्रखंडों में ऐसे कुल 69 प्रखंडों का चयन किया गया जहां पर एकलव्य विद्यालय बनना है। एक समय गुड़ाबांधा नक्सल में पूरा प्रभावित था, आज इतना बड़ा जो स्कूल मिल रहा है, ये खुशी का पूरा गुड़ाबांधा क्षेत्र का पूरा खुशी का माहौल है। खुशी का इतना है कि आदमी को क्या बोले, मैंने खुशी का पूरा माहौल ही है। बहुत ही ग्रामीण इलाका में हमारे एकलव्य विद्यालय नहीं था, ये खुलने के बाद हमारे ग्रामीण आदिवासी बच्चों की बहुत ही विकास होगा और 100% हम चाहते हैं कि 100 बाई 100 उसमें लाभान्वित होगा उन लोग।